जपाकर्णपुरा नग्ना खरास्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्ल सल्लोहल ताकंटक भूषणा वर्धन मूर्धाध्वजा कृष्णा कालरात्रर भानकरी। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के तीन नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्गा है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियां उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव दैत्य राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि जल जंतु शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। जय माँ कालरात्रि। उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।